झालर देखो माशाल्लाह, वो बछड़े की झालर है माशाल्लाह, जो बोलते हैं तोता चेहरा मैजिक बॉक्स से निकाला है क्या? खुला भी मुझे तो टिक्के जी को जाए ना भाई। सुल्तान भाई मुझे आपका बकरा 30 रुपए कैश है, और ये ले मेरा भाई, ये ले मेरा भाई, ये ले। ऐसे होते हैं सौदे, ऐसे होते हैं शौक, ये ले। अस्सलाम वालेकुम, मुझे उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत होंगे। आज जुमे का दिन है, आप सबको जुमा मुबारक हो। अहमद जुनैद भाई की कॉल आई है सुबह मुझे कि हसन भाई हमने एक ब्रीडर परचेज़ करना है और ब्रीडर परचेज़ करने में आपको हमारे साथ चलना है। तो मैंने बोला अहमद भाई आज तो मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन उन्होंने बोला नहीं आज आपने लाजमी चलना है क्योंकि बहुत स्पेशल ब्रीडर है और वो इस ब्रीड का ब्रीडर है कि वो बहुत कम तौर पर पाए जाते हैं उस तरह के ब्रीडर। तो मैंने बोला ठीक है, तो अहमद भाई के पास अभी मैं जा रहा हूँ और अहमद भाई कौन है उनसे भी मिलवाता हूँ और आपको सारी जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है आज आपके साथ शेयर करूँगा। तो व्यूअर्स इस वक्त हम लोग अपने घर पर हैं और हम लोग जाएंगे अहमद भाई के घर। अहमद भाई का घर बंस रोड पर है, तो वहाँ जाएंगे और फिर देखेंगे कि उनके साथ और कौन कौन मौजूद है, क्योंकि वो बता रहे हैं स्पेशल गोट है और ये एक दो और लोग भी हैं, उनको भी साथ लेकर जाएंगे। तो आपको बताएंगे कि वो लोग कौन हैं और हम लोग कितने लोग वो गोट परचेज़ करने जाएंगे और कहाँ पर जाएंगे। तो व्लॉग को ज़रूर इन्जॉय करें, लास्ट तक देखें, और अगर व्लॉग पसंद आए तो कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो अभी हम लोग निकले हैं यहाँ से एयरपोर्ट से, अब आप देख सकते हैं बड़ा ज़बरदस्त मौसम हुआ हुआ है यहाँ का सुबह, और इस वक्त समझ लें 3:30 का टाइम है, लोग क्रिकेट वगैरह भी खेलते हैं। तो उसके बाद जैसे वहाँ पहुँचेंगे मैं आपके साथ सारी डिटेल्स वहाँ की शेयर करूँगा कि हम कहाँ जाएंगे और वहाँ पर किस तरह का गोट परचेज करेंगे। तो जुड़े रहिए लॉग में और जैसे वहाँ पहुँचेंगे तो मैं आपके साथ सारी डिटेल्स शेयर करूँगा। अच्छा दोस्तों, एक हमारे दोस्त हैं भुट्टो जिसको हम बोलते हैं, और उनसे मैं पूछता हूँ, अगर वो फ़ोन उठा लेते तो उनको भी लेके चलते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग बंदे हैं और बहुत ज़बरदस्त बार्गेनिंग आती है उनको और गोल्ड की प्राइस कम कराने में हमारी मदद कर सकें। हेलो अस्सलाम वालेकुम भुट्टो साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं, सब खैरियत हैं? भुट्टो साहब कहाँ पर हैं आप? बस एक मसला हो गया है, उसमें आपकी ज़रूरत है। कहाँ पर? हुनर और दानिश के पास। ठीक है ठीक है, मैं अभी इधर से ही बाहर निकला हूँ, ठीक है मैं आपको पिक करते हुए जाता हूँ। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं आ गया, बस आ गया। आप रोड पे आ जाएंगे? आप रोड पे आ जाएं बुड्डू साहब, आप रोड पे आ जाएं। रोड पे आप नजर नहीं आ रहे बुड्डू साहब, वो देखें रोड खाली है, वो देखें रोड तो खाली है। आप हैं असल में बहुत छोटे ना बुड्डू साहब, नजर नहीं आ रहे आप। ये आ गए व्यूअर्स हमारे बुड्डू साहब, ये असल में हैं छोटे, इसलिए दूर से नजर नहीं आ रहे थे। अस्सलाम वालेकुम भुट्टो साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, सब खैरियत है? ठीक है भुट्टो साहब, आपको जुम्मा मुबारक। आज हमारे साथ एक थोड़ा मसला हो गया, आपको लाजमी चलना है। अच्छा हाँ, बस जरूर आपकी मेहरबानी, आपकी आपने नवाज जीतनी हमारे ऊपर, बैठेंगे भुट्टो साहब? बस बस सर, थैंक यू सो मच। तो आज समीर आप उतरोगे तो भुट्टो साहब बैठेंगे ना? भुट्टो साहब आ गए, अभी तक नहीं लगी। भुट्टो साहब आगे बैठते ना, पीछे बैठे हैं? ओ भुट्टो साहब तो पीछे बैठे हैं भाई। समीर ये भुट्टो साहब वही हैं जो हम लोग ने फर्स्ट ट्रक बनाया था ना। अच्छा। तब हमारे साथ थे। अच्छा बैठे भाई। हाँ भाई, तो व्यूअर्स भुट्टो साहब आ गए और हम निकल रहे हैं बिस्मिल्लाह यहाँ से, और हमें तकरीबन 20 मिनट को लग जाएंगे ना रश में, बंस रोड जाना है हमने, 20 मिनट लगेंगे हमें इंशाल्लाह। और अब यहाँ से मूव करेंगे और आपके साथ चीज़ें शेयर। जी अहमद भाई मैं निकल आया हूँ, कहाँ पहुँचना है? कहाँ पर? सिंध सेक्रेटरीट। भुट्टो साहब सिंध सेक्रेटरीट देखा आपने? जी जी जी, नार्मल साहब, नाइन नॉर्थ से। अच्छा अच्छा ठीक है बस। हसन भाई भुट्टो साहब तो सो गए हैं? बड़ी जल्दी सो गए, पता नहीं आगे क्या करेंगे। इन्होंने सौदा करवाना है, इन्होंने बकरा उनको कम करके दिलवाना है अहमद भाई को। अच्छा ये अभी से तक पहुंचेंगे तो फिर इनको उठा देंगे। ठीक है, अमर जुनैद भाई की जगह पे और अब वेट कर रहे हैं। उन्होंने पूछा नजर नहीं आ रहे हो, हमने बताया भाई हम इस गाड़ी में। देखो बहुत भी एग्जैक्ट लोकेशन भाई, ये अमर जुनैद भाई हैं, ठीक है, बहुत बड़े शौकीन हैं, बहुत बड़े आदमी हैं, लेकिन बहुत सादा मिजाज है।
पर अभी हम राइट पे उल्टे आगे ब्राउन कलर का गेट है गली में मुड़े क्या बोला उल्टे हाथ पे उल्टे हाथ पे तो ये उल्टे हाथ पे तो नाला है ये देखो ये तो उल्टे हाथ पे फोन दे क्या ये तो नाला है चलो उल्टे बोले हम लोग सीधे चल लेते हैं ठीक है सीधे पे चल लेते हैं उन्होंने उल्टे हाथ बोला अभी पूछेंगे उनसे यहाँ पर जो आपने लेफ्ट हैंड बोला है लेफ्ट हैंड तो नाले नाले में आप गिराना चाहते हैं ठीक है आप सब आए तो फिर ठीक है किसकी जगह पे कब्जा मार लिया माशाल्लाह माशाल्लाह चेक करो साहब इसको वापसी में डालना है आपने यानी जो आपको चीज 1000 रुपए की मिली होगी ना भुट्टो साहब आपको 600-650 तक दिला देंगे प्लान ये है कि एक बकरा मुझे बहुत पसंद है ठीक है जा रहे हैं उसके मालिक के पास ठीक है दुआ करें कि हमारा सौदा हो जाए ठीक है तो चलते हैं ठीक तो व्यूअर्स इनको एक बकरा परचेज करना है जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पहुँचे हैं और अच्छा साथ हमारे और कौन कौन है किसी और को भी आपने बुलाया है जी हमारे जो है वो गुलाबियों के बहुत पुराने और सीनियर शौकीन हैं गुलाम हैदर जी साहब सरदार गुलाम हैदर सरदार गुलाम हैदर जी जी वो इंशाल्लाह चंद मिनटों में पहुँच जाएंगे ठीक है बस उनका इंतज़ार है चलते हैं तो व्यूअर्स सरदार गुलाम हैदर जिंजी भी यहाँ पहुँच रहे हैं मीरपुर खास से आ रहे हैं खास यहाँ पर कराची और इनको और बकरा दिलवाएंगे वही दिलवाएंगे नहीं बकरा जो है वो हम जा रहे हैं लेने ठीक है तो उनको भी वो बकरा बहुत पसंद है अब मैं कहता हूँ कि कराची में इस वक्त इससे अच्छा बकरा कोई नहीं अच्छा बिल्कुल कराची में इससे अच्छा बकरा कोई नहीं क्या खासियत क्या है सर बकरे में ये रहे व्यूअर्स शौक देंगे माशाल्लाह ये रहे भाई मजे लगे पड़े हैं बकरियाँ भी यहाँ घूम रही हैं और ऐसा जबरदस्त माहौल है अच्छा क्या बता रहे थे कराची में बकरा एक तो मुझे पसंद है ठीक पॉइंटों में 110% पूरा है दूसरा इसका बीज बहुत मजबूत है बीज अच्छा है इसकी जो ब्लड लाइन है जो इसके बच्चे आ रहे हैं वो मुझे बहुत पसंद है बहुत पसंद 100% पॉइंटों में बच्चे आ रहे हैं अच्छा सही से वैसे आपका कितना इरादा कितना अभी बता दें चलो उससे पहले बता दें कितने तक भी मिलेगा आप लेंगे ये बता दें अपनी आखिरी हद तक जाएंगे तो व्यूअर्स हम लोग जाएंगे और सफर में आपको बताएंगे कि किस तरह जाते हैं और जब पहुंचेंगे उस लोकेशन पर तब भी आपके साथ शेयर करेंगे कि कौन सा बकरा है और कितने तक में आपने परचेज किया है क्या बार्गेनिंग का प्रोसेस सारा आपके साथ शेयर करेंगे मैजिक बॉक्स से निकाला है क्या तो व्यूअर्स इस वक्त हम लोग जिनका वेट कर रहे थे वो पहुंच चुके हैं गुलाम हैदर जिंदी भाई हमारे साथ हैं गुलाम हैदर भाई क्या सीन है कुछ बताएं सीन के बारे में थोड़ी देर में ये बात सामने आ जाएगी जो अहमद भाई धमाका करने वाले हैं असल मकसद है शौक को बढ़ाना और अहमद भाई हमारे कराची के अच्छे शौकीन है और हम रमेश ने जो माल खरीदा है अच्छा खरीदा है और ये अच्छे माल की तवक्को रखता है हम भी अहमद भाई के साथ हैं बहुत अच्छा शौकीन है अमर भाई बाकी इंशाल्लाह आगे जो बात होगी वो सब देखेंगे इंशाल्लाह अच्छा आपको उम्मीद है कि जो चीज़ लेने जा रहे हैं वो मिल सकती है मुश्किल है उम्मीदों पे दुनिया का ठीक है तो हम तो उम्मीद रख के रात से ये प्रोग्राम करके कल से हम इधर अमर भाई के पास ठीक है तो ये तो हमें तो उम्मीद है अल्लाह में तो व्यूअर्स अभी चलते हैं जिनके साथ हमने बकरा परचेज करना है वहाँ पर आपको जो भी डिस्कशन होगा वो भी शेयर करेंगे और कितने में परचेज करते हैं उसके क्या ब्रीड है क्या उसकी पेडिग्री है वो सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे भी डालें बोले हमारे को तोहफा मिला कैसा लगेगा पार पाली क्या हाँ हेलो आप
अज अमर जुनेद भाई वठे तो बकर पैसा भरी गद खणो तो पैसा भरी जे तो बाकी ब्या कुटिया तो करेड़ दा ठीक दा जे तो जेनन काम होरी हो जे जे पटेरी हो जे तो चोली दे रंग जे पोया साफ हो जे जे गुलाबी हो जे तो टिक्के जी गुंजा ना वजे भाई हम खुद मेहनत कर रहे हैं मालिक मालिक कहाँ है इधर का भाई जान मालिक कहाँ है इधर का मालिक है ही नहीं मालिक नहीं है ओहो मालिक तो वो है जो चाचा है वही भतीजा है जो भतीजा है वही चाचा है चाचा तो है ही नहीं जी ग्रेट कैसे हैं आप ठीक हैं सब कह रही है ठीक है हाँ ना यार यही काम हमारे देखो अल्लाह की शान अल्लाह की शान माशाल्लाह मगर मुल्ला का दिल बेईमान है मेरे भाई हाँ मुल्ला का दिल बेईमान है प्यार करती छोड़ के गया मुझे अभी मेरे पास ये हो गया उसको किसी ने मशवरा दिया खाली छिलका और चोखर देना अगर तीसरी कोई चीज दे दी तो तेरी बकरी कंडम हो मैंने बोला बहुत अच्छा किया तुमने बिल्कुल माल आपका एक नंबर है क्या बोल रहे आगरा आया था तो उसको मैंने वीडियो में बताया था रेल भाई को ये भी ऐसे कहता नहीं नहीं मैंने बोला भाई किसी से पूछो माशाल्लाह का अल्लाह की शान है बकरा सर इसकी लेंथ इसकी नकोड इसकी झालर इसकी उठान माशाल्लाह माशाल्लाह और टांगों में मजबूत टांगों में बोन स्ट्रक्चर इसका जोड़ इसके माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त असल हसन भाई जो पॉइंट होते हैं जी ज्यादातर तकरीबन जो बकरी के 16 सिंगार होते हैं जी
तो तकरीबन 9 पॉइंट जो है वो चेहरे के अंदर आ जाए। अच्छा, तो जैसे मैं आप दोस्तों को बताता चलूँ, ये समझो उन 9 पॉइंटों में ये पहले नंबर पे पूरा 9 पॉइंटों पूरा। तो ये जो 9 पॉइंट है, ये 4 इसके पाँव आ गए, इसका स्पीकर बराबर, कलर इसका एक दुम इसका अच्छा, ये 16 सिंगार होते हैं बकरियों के। सही है, ये हर किसी को शौकीन को पता नहीं है। नहीं होते बिल्कुल, इसलिए हम बोलते हैं कि भाई गुलाबी हो या कोई भी बकरी हो, गुलाबी में बिल्कुल चेहरा ऐसा होना चाहिए, मगर बड़ा होना चाहिए। और जो जैसे इसकी आंखें भी देखो, आंखें भी अच्छी जबरदस्त माशाल्लाह, आंखें भी देखो, नोज देखो, कानों की लेंथ देखो, झालर देखो माशाल्लाह, बछड़े की झालर है माशाल्लाह। और ये झालर देखो सीने तक पूरी जा रही है, सीना भी खुला है माशाल्लाह। और दिल भी जो मुश्ताक भाई का ना, दिल भी ऐसा होना चाहिए। हाँ, आज भाई मुश्ताक भाई आज इंशाल्लाह मुश्ताक भाई को सुला देंगे। मुश्ताक भाई आज भाई बहुत बच्चे लिए हैं मुश्ताक भाई ने, आगे भी शौक वाली चीज है, कोई और भी शौक करे। और ब्रीड भी हुई होगी इससे, मुश्ताक भी बकरी बहुत ब्रीड हुई है मुश्ताक भाई, और बच्चे माशाल्लाह है। और बकरी असम का बना है, ये भी पटले ये भी इसका बेटा है। अच्छा, इसका बेटा है माशाल्लाह, पटले है। अरे देखो असल में ये है कि रिजल्ट, बकरा तो खूबसूरत है, रिजल्ट भी देखो, रिजल्ट भी है जी। अमर भाई आपने भी माशाल्लाह शौक रखा है, वीवीआईपी शौक रखा है, लेकिन मैं आज रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई ये जो है ना, ये छेलिए माशाल्लाह, इसका भी कुछ मजा लेके देखो आप माशाल्लाह। वाकई यार मसागुरी माशाल्लाह जबरदस्त, ये ऐसे चेहरे जो बोलते हैं तोता चेहरा, चेहरा तो देखे है देसी की है देखो, अभी तो छोटी है, जब ये बड़ी होगी ना 6 महीने बाद फिर देखने इसके लिए। इसके लिए। इसके से दिल आया हुआ है कि इसको हमने अपने दिल पे लगा के रखा हुआ, दिल पे लगा के रखा, अल्लाह ताला इसको नजरबाज से बचाए। आमीन आमीन आमीन। बकरा हमें बिल्कुल पसंद है, आज मुश्ताक भाई की मेहनत करने आए। सही है, मुश्ताक भाई बकरा हमें दें, तो अभी चाय पे बैठेंगे तो देखते हैं फिर क्या होता है, देखते हैं। दिल गुर्दा चाहिए ऐसा बकरा रखने के लिए और देने के लिए भी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल दिल है सर, बिल्कुल दिल है माशाल्लाह माशाल्लाह। बाकी यार ये तो जवाब नहीं है बकरे का माशाल्लाह, अल्लाह ताला बहुत मजा। भाई कैसा है आपकी नजर? कांटे लाग गए। हाँ, ये जैसे दोस्त बोलते हैं एंड हो गया, एंड हो गया, मैंने पूरे पाकिस्तान को इसकी ब्रीड की इसके चैलेंज दिया हुआ, किसी के पास अगर है तो मैं इस बकरे का मुकाबला करने को तैयार हूँ, पूरे पाकिस्तान अगर कोई है तो। भाई ये देखो हम आपके सामने नहीं, हम आपके पीछे भी यही बात करते हैं कि जो जो बकरे में उस समय नस्ल है और जो ब्रीड दे रहा है, हम तो भाई मानते हैं क्योंकि हमारा भी 26 साल का एक्सपीरियंस है माल का। एक मिनट में इसकी डोली काटता हूँ, झालर पूरी नहीं। हाँ, डोली काटे इसकी थोड़ी, तो झालर निकाल देते निकल जाए। और इसको नहीं लग रहा है क्या? बड़ी कैसे नहीं, नजर का है ना वो, नजर भी लाजमी। झालर देखे आप। अच्छा, एक और बात गुलाम हैदर भाई, बात यह है कि पॉइंटों में तो बकरा अल्हम्दुलिल्लाह पूरा है ये, उसके बाद ब्रीड भी इसकी 100% है मेरे हिसाब से। बिल्कुल, क्या चाल है? बिल्कुल इंशाल्लाह, ये आंखों तक आया वाला है। बच्चे आपके सामने जी यार, किसी को शक है तो डीएनए कराएं। अब बड़ी बड़ा बोली बोल रहा, ये छेला देखो, बाप देखो, ये इसकी माँ देखो, ये गलती मेरी पास, माँ देखो, माँ मेरे हिसाब से माँ ऐसी है, चेहरे ने इतनी कहा नहीं, बकरी अच्छी है, बकरी अच्छी है, मगर जो चेहरा बच्चे में आया है बाप की वजह से, बाप की वजह से। आप खुद रिजल्ट देख लो। वाकई वाकई, अब माशाल्लाह अपलग बकरी ने बच्चे दिए, दोनों कपड़े दिए, दोनों कांटा लाग दिए, एक तो मेरी किस्म में, तो एक छेली आपको दिखाता हूँ, ऐसा तोता नाक, अभी से तोता नाक है। अच्छा, अल्लाह पाक बरकत दे। चले चाय पीते हैं बैठ के, मुश्ताक भाई को थोड़ा ये अपलग नहीं करेंगे, बिल्कुल कपड़े बचे। अच्छा, बिल्कुल कपड़े, बिल्कुल असल ये अपलग गुलाबी में से तो नस्ल जो है ये नस्ल में पूरा ब्रीडर पूरा उसने काम दिखाया, अपने ऊपर ही लेके जाएगा। असल अपने दांतों में छे हुआ ना, अभी इसका बीज पक्का हो गया, अब पक्का हो गया, अब माशाल्लाह जो भी ब्रीड लेके आ रहे हैं ना, अपने ऊपर ही लेके जा रहे हैं, बकरी के ऊपर लेके छोड़ ही नहीं। असल का तो भाई
समझो डाउट ही नहीं है। अभी देखो भाई 23 दिन के हुए मेरे को। और ये इस बकरी में ये भी खासियत है, इसके बच्चे जैसे बड़े होते ज्यादा औसत देते। बकरा लाजवाब, बकरे का हमें शौक कराएंगे। यार बकरा तो मेरा अपना भी शौक, बकरा तो मुंह मांगे रकम और टेबल पेमेंट, ये भी नहीं है कि उधारी या हैंड टू हैंड, हैंड टू हैंड। ये टेबल है ना, टेबल टॉक होती है या टेबल पे नोट होंगे, हम पूरा टेबल भर देंगे। हमें पता है तू भी हर हमें टेबल पेमेंट पे खरीदारी करता है। जैसे कैश तूने दिया है तेरे को भाई, टेबल पे पैसे मिल। अगर देखा जाए ना ये बकरा 1 रुपए का भी कम है इसकी, वो तो बात ही नहीं करी हमने। 5 करोड़ का है तेरा बकरा, 1 करोड़ भी इसकी कम है। हाँ तेरा बकरा 5 करोड़ का। हमने दिल के साथ लगाया हुआ है, अल्लाह ताला इसको जिंदगी दे, सेहत तंग। जब मुझे 85 बच्चे 3.5-3 लाख के जा रहे हैं तो मैं बच्चा क्यों दूँ, बच्चे दे रहा हूँ बकरा। वो बात नहीं है मुश्ताक भाई, देखो ये जो शौक है ना, शौक तो आपके पास है। देखो आपने शौक किया है, आप भी शौक वाला माल खरीदे। देखो हम कत्ल करते हैं आप आप मुझे एक बात का सिर्फ एक सवाल जवाब दे दे, बाकी बकरा का मतलब आप किस लिए मेरे पास आए? सिर्फ ये मेरे बकरे की इज्जत, मेरी इज्जत नहीं है, मेरे बकरे की इज्जत। आप नहीं पता है कितने आदमी सिर्फ बकरा देखने के लिए आते हैं, बकरियां तो हर किसी के पास है, एक से एक बकरियां हैं। मैं बकरियों की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बकरे की बात कर रहा हूँ। बकरा ले भाई, बात खाली बट्टा बकरा ले। हमें किसी ने बोला था टेबल टॉक होती है, हमने बोला टेबल पे नोट। बेटा किसी ने चाय वाला नहीं आया, बकरा लेने आए और सारे दोस्त आए, बहुत सारे आए। आपकी इज्जत आप आए, बड़ी मेहरबानी। हमें पता है आप बड़े अच्छे शौकीन हैं, दिल के भी अच्छे हैं। बिल्कुल ये उसमें शक पसंद है आपका, अपने घर की है जो प्यार नहीं है, कुछ अभी प्यार हो रही है ऐसे 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 है। आप अहमद जुनेद भाई को दिल गुर्दे पे हाथ रख के कराए शौक, ये भी दिल गुर्दे पे हाथ रख के आपको दिल पे हाथ रख पेमेंट आप बोलेंगे यार गुर्दे पकड़ लेना। बिलाल भाई की शादी, बोला भाई दावत खा के इधर बैठना है, ये काम करना है, फिर जा। मैं अपनी ड्यूटी छोड़ के आया हूँ, पूछने इनको बुला। हाँ एयरपोर्ट से सीधा मैंने आज ऑफ लिए, इन्होंने बोला ना कि यार मुश्ताक भाई से बकरा आपने दिलवाना है, मैंने बोला कोशिश मैं करूँगा, बाकी अगर वो दिल से देंगे तो बिस्मिल्लाह, दिल उनका नहीं मानेगा तो फिर वो चौधरी आज तेरी मांग ली गए। कल 4 बजे का टीका लगाओ है, ये टीका तोड़ जा रहा है यार, ये बच्चों की तरह बहुत मेहनत भी बहुत करते हैं। और देखो ना अभी आप देखो कैसे डायरेक्ट है ना, सुबह नमाज पढ़ के मैं आ जाता हूँ। मुश्ताक भाई क्या कहते हैं फिर आप, हमने चाय भी पी ली माशाल्लाह, आपकी मेहरबानी। आप आए हो आपका बहुत बहुत मेहरबानी। बकरे का शौक कराएंगे? नहीं बकरे यार मुझे शौक करने दो, आप आपकी मेहरबानी। समझे इनके पास है आपके पास एक ही बात, मैं यही बोल रहा, मेरे पास इनके पास मैं भी यही बात बोल रहा हूं। भाई ये बड़ा खिलाड़ी, ये भी वही बात कर रहा है। बाकी हमारे भाई या दोस्त है और मैंने सबको बोलता हूँ 2-4 बकरियां 10 बकरियां भले छोड़ो, 10-15 दिन ये हमें भी बोला कि भाई बकरे जाओ इंशाल्लाह ताला आपको मजा आएगा। महाराज मुश्ताक भाई आता हुआ नहीं है, कोई ये बोलेगा यार चार मुश्ताक भाई इनको चारा नहीं देगा, आपके सामने सारा खुला हुआ आधा आधा माल होता है। अब सर्दी की वजह से सारे एक जगह पे क्या अगर आग होता बोरी अंदर चले जाते हैं। मुश्ताक भाई मुझे आपका बकरा 30 लाख रुपए में समझ आता है, ये 30 लाख रुपए कैश हैं, अगर आप मेहरबानी करो। मैंने वो बात ही नहीं करी 15 लाख 16 लाख 18 लाख 20 लाख। आपकी इज्जत है, आपने पैसे बहुत अपने हिसाब से बहुत अच्छे लगाए, पर मेरा भी शौक है
टेबल पेमेंट है और हम सब मिल के आए हैं, पैसों की बात नहीं, झूठ नहीं है, ये पैसा है। ये थोड़ा साइड पे करो और शायद लोग बोले कि यार ये जो है ना झूठे हैं और यूं हैं। और ये ले मेरा भाई, ये ले मेरा भाई, ये ले 30 पेटी का माल है, ये ले। ऐसे होते हैं सौदे, ऐसे होते हैं शौक, ये ले। आया कोई मुंह में पानी शानी? ओ मेरी जानी, कुछ तो बोल, पागल हो गया क्या? 30 लाख रुपए मुश्ताक भाई, 30 लाख टेबल पे रखे हैं मेरा भाई। अहमद भाई को हिम्मत दे, अहमद भाई ने पैसे बहुत अच्छे लगाए हैं, बरका मेरा भी शौक। और कोई गुंजाइश हो निकाल दे, हम अमर भाई से पूछते नहीं है। मैंने आपको पहले भी बोला मेरा इससे शौक, और मैं आपसे 6 महीने से कह रहा हूँ बकरे का मुझे शौक कराओ। बिल्कुल आप बोल रहे हो, मैं भी यार दोस्तों को यही बोल रहा है कि अहमद भाई बहुत पीछे लगा हुआ, कोई शौक कराओ। शौक यही करवाता था भाई, आप 4-6 बकरियाँ दो, मैं क्रॉस करा के देता हूँ, आप रीड ले लो उसकी। पर ठीक हो गया, इंशाल्लाह आपके पास बकरियाँ भेजेंगे 2-3। हाँ पहले और एक नहीं, एक दफ़ा 2-4 और आज नहीं, फिर 2-4 भेजो, फिर भेजो, मना नहीं। और मुश्ताक भाई आज नहीं, महीने बाद, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद आप बोलो मैं बकरा बेच रहा हूँ, सबसे पहला खरीदार मैं हूँ। चल अगर आज आप हमें शौक नहीं करा रहे, नहीं शौक आपको इंशाल्लाह, कभी आप बोलो कि मैं बकरा दे रहा हूँ आपको, इंशाल्लाह ताला हम देंगे, इसके बकरे ब्रीड देंगे इंशाल्लाह, ब्रीड क्रॉस करवा के देंगे आप, वो लो ना। तो बकरा अल्लाह ने, बकरा अल्लाह ने मुझे भी बहुत अच्छा दिया, जिंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, हमारा बकरा तो सबका साझा होता है, बकरा सबका साझा होता है। मुझे आपका बकरा बहुत पसंद है, बकरा माशाल्लाह आपके सामने खड़ा है, देख लो, अल्लाह की शान है, अल्लाह की शान है। ज़्यादा तजर्बा रखते हैं नस्ल में, 29 रिजल्ट में कोई कमी नहीं है, बाकी है नसीबों की बात, हर किसी का मुश्ताक भाई नसीब अपना होता है। भाई कि मैंने वो भी बकरियां देखी हैं जी, लाख लाख रुपए वाली खास हुई है माशाल्लाह, और वीआईपी जो है ना उसकी बच्चियां बिकी है 2-2 लाख रुपए की, 2.5 लाख रुपए बेटा जेठा। अभी मुदस्सिर ने बच्ची बेची है, बकरी हमने दिखाई, हाँ बकरी वो आपकी अपनी है, मगर मैं आपको बताता हूँ मुंह की बात नहीं, बकरी आपकी इतनी खास नहीं है, बकरी मैं मगर बकरे ने रिजल्ट दिया, मैंने आपको खुद बोला कि बकरी इतनी अच्छी नहीं है, बकरे ने रिजल्ट देख लो माशाल्लाह। उस वक्त तो ये 2 दांत में था जब से रिजल्ट दिया, अब तो माशाल्लाह 6 दांत में हो गए, अब तो 20 पक्का हुआ है, अब तो 20 पार्टी शुरू हुई है। हाँ बहरहाल अल्लाह ताला आपके नसीब में करे, आप भी बहुत कड़क शौकीन हो, सही है, गरम तो गरम कड़क 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 तो अच्छा गरम कड़क, बस उनका दिल मुतमईन नहीं है थैले से, वरना इतनी बड़ी रकम तो मैं समझता हूँ और कोई शौकीन नहीं ठुक रहा था। बताएं कि हम कैसे आए, नहीं ये बात अहमद भाई की बहुत अच्छी है, माशाल्लाह इतने पैसे दे के हर किसी के मुंह में पानी आएगा, ये वो भी कैश है, 30 लाख रुपए हमारा भी कैश, और हम सब मिल के हाथ जोड़ रहे हैं, दिल पे जो धड़कन जो ना तेज हो रही है ना, कि हम अपनी दिल का टुकड़ा क्यों देंगे। नहीं एक होता है ना मुश्ताक भाई, लोग बातें करते हैं कि यार हम 10 लाख लगाए हुए हैं, किसी ने 5 लगाए हुए हैं, किसी ने 4 लगाए, चलो चीज की अपनी वर्थ होती है, लेकिन एक आपको पता है एक टेबल पे एक कैश पेमेंट आपको मिलना, कैश पैसे जो है ना बहुत मुश्किल है, बहुत कम देते हैं, बहुत कम शौकीन देते हैं, हाँ, लोग देते हैं सौदा करते हैं, हमने 15 लाख कर लिया, 10 लाख कर लिया, पर कभी कभी लाख दिया, कभी 2 लाख दिया, जैसे माशाल्लाह ये पेमेंट है ऐसा हमें पता है। मुश्ताक भाई आप भी ऐसे हमें पता है, आपने भी ऐसे ही खरीदा, बिल्कुल हमें पता है, इसलिए हम आपका कदर करते हैं। नहीं देखें अब मैं आपको एक बात आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि आप ये बताएं, अल्लाह को हाजिर नाजिर रखते हुए आपको इल्म में था कि ये 30 लाख रुपए लेके आएंगे या ये कोई प्री प्लान चीज थी, सिर्फ अल्लाह को हाजिर नाजिर रखते, क्योंकि मुझे पता है आपका बिल्कुल ईमान पक्का है, सही है, आपको इल्म में था कि 30 लाख रुपए रखेंगे और मुझे बकरा मांगेंगे? वैसे मुझे एक बंदे ने ऑफर दी थी, कितने की? 30 की दी, 30 लाख की, लेकिन उसने ऐसे ही ऑफर दी, ऑफर दी थी, कोई थोता पार नहीं थी, पैसे वैसे नहीं लेके नहीं आए थे। मैंने अपना रेल भाई आया था, उसको मैंने बोला था मुझे 30 की ऑफर आई है, उस्ताद वजीर को मेरे ख्याल कहता है कि एयरवाई वाले ने फोन किया, ठीक है, सुलेमान ने किया या किसने किया, मेरे उस्ताद वजीर ने बोला कि 30 लाख रुपया, ठीक है, उस्ताद ने मेरे से रब्ता किया, मैंने बोला साहब पागल हो गया, 30 तो मुझे लग चुके हैं, मैंने देना नहीं, सही है। तो बोलता उसने उधर से निकाल के मुझे फोन, मैंने बोला सर इतना तो मुझे लग चुका है, मैंने देना ही नहीं है, कहता मैंने तो उसको बोल दिया, मैंने बोला भाई अब बोल दिया था, बोल भाई वो मालिक नहीं गई, सही नहीं, यार भाई वाले नहीं है, हाँ, हम अभी भी अगर मुश्ताक भाई आपके दिल में यानी कोई चीज है ना,
क्या नहीं है, कोई प्री प्लान है ये, या कोई पैसों की ऊंच नीच है? पैसों का दिल देखते हम लोग, आदमी की इज्जत आपकी बहुत है, यही है। पैसे तो आने जाने वाली चीज है, पैसे का मसला नहीं है। अल्लाह ने दिया हुआ बहुत कुछ। व्यूअर्स, आपने देखा आज हमने जो बड़ी मेहनत की, कल से पूरी प्लान की हुई थी, और अहमद जुनेद भाई ने हमें भी नहीं बताया था कि 30 लाख रुपए कैश लेके आ रहे हैं। अगर हमें भी पता होता कि 30 लाख, तो हम लोग भी हिल जाते कि यार 30 लाख। और ना इन्होंने इनसे पूछा कि क्या डिमांड कर रहे हैं, कितने में देना है। हम तो यही समझे थे कि 5-6 लाख या 7 लाख का सौदा होगा, वो बोलेंगे ये लाख लगाएंगे, 1.5 लगाएंगे, 2 लगाएंगे, लेकिन इन्होंने डायरेक्ट टेबल पे 30 लाख रखे और इनके सामने रखे, लेकिन इन्होंने ये ऑफ़र ठुकरा दी। तो मुश्ताक भाई, आपने किस बेस पे ये ऑफ़र ठुकराई, और कैश, क्योंकि ये सांस वाली चीज़ है। अक्सर भाई, सांस वाली, इंसान भी सांस वाला है, मरना जीना तो अल्लाह के पास में। इसके बच्चे इंशाल्लाह ताला एक ब्रीड आएगी तो ये 30 लाख पूरा कर दे, पूरा कर दिया, पूरा कर दिया। चले, हम दुआ करेंगे आपको, अल्लाह ताला मेरे बरकत से, और जानवर में आपको भी सलाम करते हैं भाई, अहमद भाई आपको भी हम सलाम करते हैं। आप कराची के अच्छे शौकीन हो, और मुश्ताक भाई समझो किंग, आप कराची भी रह चुके हैं, और इस वक्त भी समझो ये आजाद मुश्ताक भाई के पास है, और हम मदद करते हैं। मैं कहता हूँ, अगर कोई शौकीन होगा ना, तो कराची में इस जैसा बकरा कोई दूसरा नहीं है। पाकिस्तान में बोलता हूँ, आप सामने लाओ, पाकिस्तान में ऐसा कोई बकरा नहीं है, हकीकत बात है। अगर कोई है तो सामने लाओ। अच्छा, ये सबसे पुराना जानने वाला बकरी, गुलाबी बकरियों को इससे पूछ लो, अगर है तो भाई सामने लाओ, मैं मुकाबला करने को तैयार। अच्छा मुश्ताक भाई, अमीन भी अपनी मर्जी के बनाओ, जो तुम्हारा दिल करता है करो, अगर कोई है तो मेरे सामने लाओ। फर्ज करें अगर वो ले आता है, तो आप क्या, किस बेस पे चैलेंज करेंगे, किस चीज का चैलेंज कर रहे हैं? इसके अपनी खूबसूरती पे, हुसन पे, और इसकी नजरिए। अगर इससे अच्छा कोई निकल आया, तो उसको आप क्या इनाम में देंगे? इनाम जो हक बनता है, 2 लाख 4 लाख 5 लाख हम देंगे, उसी टेबल पे देंगे। यार 200 के अंदर नाम देंगे भाई, आपका बकरा। अमीन भी अपनी मर्जी, ईमानदार अमीन होना चाहिए, ईमानदार। तो मैं हाजिर हूँ, जिससे भी बोलो, मैं महीना 2 महीने में बैठा हूँ, आप देखो। मैं बाकी अहमद भाई आपको भी सलूट है, सलाम है, गुज्जर का सलाम है। बकरा पसंद था हमें, मेरे दिल में कोई बकरा तो ये 6 महीने से मेरे पीछे पड़ा हुआ, मेरे दिल में कोई आज नहीं। हां, मैंने बोला मौज मस्ती लगा रहा था, करते हम आए, हमें बिठा के रखा है, और आपको फोन भी करने नहीं दे रहा भाई। कब आ बेटा, मेरे चक्कर में दो। वाकई मुश्ताक भाई दिल खुश हो गया, मैंने आज आके ये बकरा देखा है, लेकिन रियल में जो बकरा देखा है, वाकई चीज है ये, माशाल्लाह, जवाब नहीं इस बकरे का। ऐसे पॉइंटों में कांटा ला, 100% पॉइंट। और बड़ी बात है हसन भाई, ब्रीड, ब्रीड आपने ब्रीड देखी, वाकई जबरदस्त। वो जो अबलग बकरी है, उसके बच्चे मुश्ताक भाई ने देखा, जबरदस्त। बहरहाल मुश्ताक भाई, अल्लाह आपका शौक कायम रखे। आमीन आमीन आमीन। आप लोगों की बड़ी मेहरबानी, आप आए हो हमारे दिल में, आपकी ख्वाहिश नहीं कि हमने भाई आपको यही मैं कर सकता, बकरियां भेजो, मैं क्रॉस करा के देता हूं, इंशाल्लाह ताला इसकी नस्ल होगा। बड़ी मेहरबानी। ने देखा जिस तरह हमने बड़ी अंतक मेहनत और कोशिशों के साथ अहमद भाई, इनके दोस्त, और हमारे नुमान भाई, एहसान गुज्जर भाई, और ये क्या नाम है, गुलाम हैदर जिंजी भाई, मुश्ताक भाई के पास आए, और बड़ी इनसे एक रिक्वेस्ट की, लेकिन इनका भी शौक है, इनका भी दिल है, इनको अहमद जुनेद भाई ने 30 लाख रुपये की ऑफ़र दी, वो भी कैश, वरना बातों टेबल पर बातें सुनते थे लोगों के 10 लाख लगाएं 5 लाख लगाएं 2 लाख लगाएं 3 लाख, लेकिन आज 30 लाख रुपए कैश रख के इनको ऑफर की, लेकिन इन्होंने ऑफर ठुकरा दी, और इन्होंने बोला कि मेरा सलाम है दोनों पार्टी को, दोनों पार्टीज को सलाम है, अहमद जुनेद भाई को भी जिन्होंने 30 लाख की ऑफर दी कैश की। माशाल्लाह बहुत अच्छा शौकीन है, हम इसकी इज्जत करते हैं, बल्कि हम भी अपना शौक रखते हैं, हमारा भी शौक है, शौक को खत्म करना नहीं चाहते, पैसे का मसला नहीं, पैसा तो आने जाने वाली चीज है, बल्कि शौक खत्म नहीं करना चाहते। मुश्ताक भाई को भी सलाम है कि मुश्ताक भाई ने ऐसा जिगरा रखा कि 30 लाख कैश की ऑफर भी ठुकरा दी इस नाचीज के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, सब दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।